मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम दिया भेड़ा है और आज का मेरा विषय है राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों का योगदान। आज का हर एक बालक भारत का भविष्य है, इसीलिए भारत के भविष्य की जिम्मेदारी हर एक बालक के ऊपर है। एक जिम्मेदार नागरिक की जो देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके, उसके बीच बचपन से रोपे जाने उचित है। बात जब राष्ट्र निर्माण की आती है तब उसका सर्वांगीण विकास देखा जाता है। हर एक क्षेत्र जैसे आर्थिक प्रगति, भौतिक विकास, संस्कृति का रक्षण तथा नैतिक मूल्यों का जतन करना, किसी भी राष्ट्र की उन्नति का आधार और प्रतिष्ठा उसकी भावी पीढ़ी पर होता है। जो बासी हो गया है, जीर्ण हो गया है, समयातीत हो गया है, उस फूल को डाल से चिपके रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही सोचकर शायद कविवर जयशंकर प्रसाद जी ने ठीक ही कहा है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी न करेंगे बासी फूल। इसीलिए उस बासी फूलों को झड़ने दो, नए युवा फूल को उनका स्थान ग्रहण करने दो। हम राजनीति के इतिहास पर एक व्यंगम दृष्टि डालकर देखें तो हमें पता चलता है कि राष्ट्र की भाग्य लिपिटा विद्यार्थियों ने अपनी रक्त की स्याही से लिखी है। जिस प्रकार नदी अपने तेज प्रवाह से किनारों को तोड़ने की क्षमता रखती है तथा हवा अपनी तेज गति से आंधी का रूप धारण कर लेती है और बड़े बड़े बलशाली वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की शक्ति रखती है, उसी प्रकार विद्यार्थी में भी वही प्रचंड शक्ति और अदम्य साहस है जिससे वह चाहे तो देश का स्वरूप भी बदल सकते हैं। लोग कहते हैं बदलता है जमाना, अक्सर मर्द वे हैं जो जमाने को बदल देते हैं। आज स्वतंत्रता के लगभग 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर भी हमारे देश ने उतनी प्रगति नहीं की है जितनी की उसे करना अपेक्षित था। इसका मुख्य कारण यह है कि देश की प्रगति में हाथ बटाने का अधिकार कुछ वर्ग विशेष, कुछ अवस्था विशेष, कुछ जाति विशेष, कुछ आश्रम विशेष की व्यक्तियों को ही उपलब्ध हो रहा है। जो लोग स्वयं चलने में असमर्थ है वे देश को क्या चलाएंगे। इसीलिए केवल युवा विद्यार्थी वर्ग ही राष्ट्र के निर्माण में अपनी निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है। यदि देश की प्रगति में विद्यार्थियों के योगदान पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो पता चलता है कि उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान एक निष्ठ भाव से और एकाग्र मन से तथा अनुशासनबद्ध होकर विद्याध्ययन करना ही ठहरता है। यदि इस अवस्था में एक निष्ठा का अभाव रहा तो भावी जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति बिल्कुल ही असंभव प्रतीत है। भावी जीवन की आधारशिला यदि दुर्बल हुई तो उस पर जो भवन निर्माण होगा वह जैसी कभी नहीं होगा, वह केवल लड़खड़ाते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करेगा। आपकी प्रगति देश की प्रगति है। वे शिक्षण बनाने का कार्य भी हाथ में ले सकते हैं तथा देश से अनपढ़ता जैसी लानत को दूर करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि जन जन में विश्वास है, कण कण में है राम, बच्चा बच्चा देश का आए राम के काम। हमारा देश बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है, इसी का परिणाम है कि देश में बड़े पैमाने पर गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी की समस्याएं उपलब्ध है। हमारे छात्र वर्ग को चाहिए कि वह देश की गरीबी को मिटाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामों की उन्नति में सहायता प्रदान करे। देखने में आया है अधिकांश ग्रामीण लोग अशिक्षित रहते हैं। यदि छात्र वर्ग उन्हें खेती करने की नई तकनीक, नए साधनों से परिचित कराए तो हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। किसी भी देश का भविष्य उसके भावी नागरिकों के हाथ में होता है। विद्यार्थी किसी भी देश के लिए गर्व का विषय होते हैं, उन्हीं के कंधों पर देश के नव निर्माण का भार होता है, वे ही देश के भीतर की अज्ञानता को दूर करने वाले होते हैं। अतः विद्यार्थियों ने अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है। विद्यार्थियों के जागरूक होने से देश अपने आप प्रगति की राह पर अग्रसर होगा। हमारा देश स्वतंत्र है परंतु अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है, जैसे रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद इत्यादि। ऐसे में देश के नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि वे अपने देश को समस्याओं से निजात दिलाए। विद्यार्थी देश का मेरुदंड होते हैं जिस पर देश का विकास टिका हुआ है। अगर विद्यार्थी अपने अध्ययन काल से संयमी, परोपकारी और साहसी हो तो हमारे देश को अच्छे नागरिक प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को चाहिए कि जो बुराइयां देश को खोखला बना रही है वे उन्हें पहचान कर उनसे लड़ने की योजना तैयार करें। इतना ही नहीं, उचित दिशा निर्देश मिलने पर यही विद्यार्थी
पर ऐसे देश का निर्माण कर सकता है जो आज केवल सपनों का भारत ही कहा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि आदर्श को पकड़ने के लिए पूर्ण रूप से हमें शक्ति चाहिए। यदि सफलता चाहिए तो हमें पूर्ण रूप से अपनी शिक्षा का निर्माण करना पड़ता है। इस सफलता में सहज पूर्ण रूप से निश्चित होती है। अतः अंत में मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आज के हर एक बालक में वो स्वामी विवेकानंद और सरदार पटेल जैसे प्रतिभा जगेगी, तभी हम एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।